राधे राधे सभी सिस्टर लोग, ये फेस अटेंड FRS के विरुद्ध में जो हम लोग हड़ताल में यानी कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और आज 22 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया है और सभी को 9 से 5 और दोपहर में 3 बार अटेंडेंस बनाने के लिए हमारे यहाँ PHC में लेटर आ गया है। तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने का कोई सरकार नहीं मान रही है और अपने मनमाने ढंग से इस कार्य को बढ़ावा देते जा रही है। तो प्लीज़ जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं उनसे कहना है कि आप लोग आज फेस अटेंडेंस कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करेंगे। इसको कोई भी नहीं बनाएगा, किसी को भी इसका ज़रूरत नहीं है। जो भी बनाएगा अपना रजिस्टर में बनाएगा, और धरना प्रदर्शन है ही तो, और हम लोगों को जब इससे नुकसान होने वाला, इससे हमको परेशानी है, तो फिर कोई नहीं बनाएगा बस। और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनसे भी आप लोग बोल दीजिए कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो इसको नहीं बनाएगा। क्योंकि जब तक कि आप लोग इसका एक भी स्टाफ या बनाना शुरू कर देगा, कहीं भी PHC लेवल से एक भी शुरू कर देगा, तो फिर इसको अच्छी तरह से लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि जहाँ से भी शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग का लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम लोग को समर्थन कीजिए, जितने भी सिस्टर और भाई हैं, जो CHO GNM NM जितने भी हैं, सभी लोग हम लोग को समर्थन कीजिए। क्योंकि आज से लागू हो जाने के बाद आप लोग कोई भी बना देगा तो हमारी हार हो जाएगी। और संघ के हिसाब से हम लोग को कार्य बहिष्कार का जब बोला गया है तो कार्य बहिष्कार कीजिए। और कल 23 तारीख को सभी लोगों को फिर से पटना जाने के लिए, जो संगठन की तरफ से है, वो लोग अगर संभव हो तो जितना हो सके कल विधानसभा का वहाँ घेराव करना है, तो सभी लोग चलिए। और जितने जाएंगे बहुत संख्या में भीड़ होगी, जितना फ़ायदा होगा हमारे लिए। और प्लीज़ आग्रह है कि प्लीज़ आज कोई भी हालत में कोई भी फेस अटेंडेंस नहीं बनाइएगा, ये मेरी विनती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, अगर जैसे ही ये लागू कर दिएगा फेस अटेंडेंस तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसमें अब फार्मासिस्ट CHO सभी लोग साथ आ रहे हैं, क्योंकि सभी को फेस अटेंडेंस से दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ कोई भी आज से नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, इसके लिए आपसे विनती कर रही हूँ, आप लोग समझिए प्लीज़। थैंक यू राधे।